प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ शास्त्रों में 10 अवतारों का उल्लेख है, 24 का भी है, फिर श्री रामकृष्ण परमहंस श्री श्री माँ आनंदमयी को भी अवतार कहते हैं। 10 या 24 अवतारों में इन दो की गणना नहीं है, तब किसको सत्य माना जाए? यदि प्रथम सत्य है तो क्या बाद के अवतार नहीं है? और यदि द्वितीय पक्ष सत्य है तो क्या शास्त्र असत्य हैं? माँ, बाबा मैं तो नहीं कहा अवतार, बताऊं मैं कौन हूं? देखो, जैसे कोई बच्चा होता है उसे सब प्यार करता है, मैं बस बच्ची हूं। यह प्रसंग प्रश्न परिप्रश्न आदि के रूप में बहुत देर तक चला, बहुत रोचक आनंदपूर्ण और गंभीर प्रसन्न वार्तालाप हुआ। अंत में मां ने कहा, बाबा मैं तो रास्ते का भिखारी हूं। इस पर मंच पर आसीन श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने श्री स्वामी स्वतंत्रानंद जी से कान में फुसफुसाते हुए कहा, पूछिए माँ क्या भीख मांगती हैं। तब स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने प्रश्न किया, माँ भीख तो भगवान वामन ने भी मांगी थी, आप क्या मांगती हैं? तब माँ ने कहा, बाबा यह शरीर तो कुछ नहीं जानता, तुम जहां खड़ा कर दो। इसके उपरांत स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने एक संस्मरण सुनाते हुए कहा, मेरी एक बार पंडित श्री गोपीनाथ जी से इस बात पर चर्चा हुई थी कि माँ कौन है। तब कविराज जी ने कहा था कि माँ ना तो साधक हैं और ना सिद्ध। साधक इसलिए नहीं कि उन्हें कभी अपूर्णता का बोध नहीं हुआ जिसे दूर करने के लिए कोई साधना की हो, और सिद्ध इसलिए नहीं कि साधना से ही सिद्ध हुआ जाता है, और माँ ने तो कोई साधना की नहीं, जन्म से ही उन्हें पूर्ण ज्ञान है। इस वक्तव्य के उपरांत स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने ही प्रश्न किया, प्रश्न, माँ आप साधक भी नहीं सिद्ध भी नहीं, तब आप कौन हैं? माँ, वही भिखारी जो कहो। स्वामी प्रकाशानंद जी, माँ आप कह दीजिए ना कि आप परांबा हैं। माँ उन्मुक्त हंसी से हंसते हुए, अच्छा जैसे बच्चे को बहला फुसला कर कुछ भी कहलवा सकते हो, पर बाबा कोई कोई बच्चा कुछ नहीं कहता, बस देखता भर रहता है जो जो कहे। मंच पर उपस्थित सभी आचार्य महामंडलेश्वर संत महंत महापुरुषों ने खूब कोशिश की कि श्री श्री माँ अपने ही मुख से अपनी भगवत्ता या अवतारत्व की घोषणा कर दें, परंतु माँ प्रारंभ से अंत तक बाबा जो जो कहे वही यह शरीर है, इस प्रकार परोक्ष रूप से अपनी अचिंत्य महिमा का निगूढ़ भाव से बोध कराती रहीं। निश्चित ही यह वाक्य जो जो कहे वही मैं हूं, माँ का यह स्वात्म परिचय भगवत तत्व या अवतार तत्व की यथार्थ पहचान है। इस रहस्य को कोई जान पाया, कोई नहीं जान पाया। अंत में सभी वरिष्ठ संतों ने मिलकर एक स्वर से श्री श्री माँ के अवतारत्व की सार्वजनिक घोषणा कर दी। 30 अक्टूबर 1976 गोंडल गुजरात। प्रश्न, माँ मुझे रूप माँ का प्रिय लगता है, परंतु मंत्र किसी और का मिला है, क्या करूं? माँ, ठीक तो है, सब भगवान ही तो है, सब एक ही के नाम है, एक के ही रूप हैं, एक आत्मा के अलावा तो और कुछ है ही नहीं, सब वे ही हैं, ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष। प्रश्न, माँ यह 27वां संयम सप्ताह हो रहा है, इसमें किसी की मुक्ति होगी या नहीं? मां, यात्रा हो रही है, यात्रा शुरू हो गया, बाबा सब समय सब उत्तर नहीं आते। प्रश्न, मां आजकल साधु लोग जंगलों में क्यों नहीं जाते, शहरों में क्यों घूमते हैं? मां, जंगल में जाकर यदि संसार का चिंतन करे तो वह शहर में ही है, और शहर में रहकर मन भगवान में रहे तो वह जंगल में ही है, दोष दृष्टि ही संसार है, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान ही नाना रूपों में खेल रहे हैं, जंगल और शहर का भेद भगवान में नहीं है, भेद तुम करते हो,
अपना पर्दा आप लगा लिया, पर्दा हटाना पड़ेगा। जब तक आवरण में रहेगा तब तक ऐसा ही दिखाई देगा। भगवान का इच्छा से जो हो रहा है वह सब ठीक हो रहा है। वे आप ही अपने से खेल रहे हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। प्रश्न, माँ पुण्य क्या है, पाप क्या है? एक देश में जिसे पाप कहते हैं दूसरे देश में उसे पाप नहीं मानते। ऐसी स्थिति में पुण्य पाप में भेद कैसे करें? पुण्य पाप की ऐसी कोई परिभाषा है जो सबके लिए मान्य हो सके? माँ, जो क्रिया भगवान की प्राप्ति में सहायक हो वह पुण्य है, और जो क्रिया भगवान की प्राप्ति में सहायक ना हो, प्रत्युत बाधक हो, वह पाप है। प्रश्न, माँ हम कैसे पहचाने कि हम पर आपकी कृपा है? माँ हंसते हुए, कच्चा पक्का आम की पहचान तुम कैसे करते हैं? रंग बदल जाते हैं, स्वाद बदल जाते हैं, भीतर से तृप्ति हो जाते हैं। प्रश्न करता, माँ आपके पास बैठने पर ध्यान लग जाता है लेकिन घर में नहीं लगता, इसका क्या कारण है? माँ, यहां इतने संत महापुरुषों का अमृत वर्षण हो रहा, इतना सब वृत्ति जगह जगह से आकर इकट्ठा हुआ है, एक लक्ष्य लेकर एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, वातावरण में एक जैसी तरंगे फैलती हैं, संयम रहा है, सब एक धारा में चल रहा है, कैसा सुंदर, भगवान ही खेल रहा है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।